28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, लेकिन उद्घाटन से पहले ही ये पूरी बिल्डिंग विवादों में फंस चुकी है। दो बड़े विवाद इसके साथ में चल रहे हैं, कई सारे नेताओं के इसके अंदर उलझलूल से बयान आ रहे हैं। कोई राष्ट्रपति मुर्मू जी को जो एक ये ट्राइबल एरिया से जो आती हैं और उसके बाद वो राष्ट्रपति बनती है, उनकी काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, उनकी तरफ से उद्घाटन करने की बात की जा रही है, लेकिन इसके पीछे भी इनका डबल स्टैंडर्ड है। वो कैसे, हम आने वाली वीडियो में आगे बात करेंगे। साथ में ये बात करेंगे कि किस तरीके से जो नया संसद भवन बनाया गया है वो कितना हाईटेक है। तीसरा हम बात करेंगे विपक्ष के दोगले चरित्र के बारे में कि किस प्रकार से ये जो मुद्दा उठा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन जो किस तरीके से ये मुद्दा उठाया जा रहा है वो एकदम सरासर सिरे से खारिज किया जाता है, क्योंकि ये कोई बात ही नहीं है। आगे बात करेंगे इन्हीं के कई सारे एग्जाम्पल देकर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी बार 24 की खास खबर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज सिंह राजपुरोहित। आप देखना शुरू कर चुके हैं खास खबर। अट्ठाईस मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, लेकिन दो कॉन्ट्रोवर्सी इसके पीछे जुट चुकी है। इसके साथ में जेडीयू के एक नेता है जिनका नाम है ललन सिंह जी, उनकी तरफ से एक बयान सामने आता है जब वो ये कहते हैं कि अगर एक बार उनकी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो वो इस संसद भवन के काम को ही बदल के रख देंगे, इसमें किसी और प्रकार के काम करवाए जाएंगे। तो वहीं हमारे कुछ यूजर्स ने उनको कमेंट करके ये लिख दिया कि क्या उसमें थिएटर बनवाएंगे आप। इसी के साथ कंट्रोवर्सी ये है कि जो तारीख रखी गई है 28 मई उद्घाटन की, वो वीर सावरकर जी का जन्म दिवस है। जो विपक्ष दल है, जो कांग्रेस वगैरह और जितने भी विपक्षी दल हैं, वो वीर सावरकर जी को एज अ क्रांतिकारी नहीं मानते, ज़्यादातर उनके विपक्ष में ही बयान देते रहते हैं। लेकिन हम सब लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है, उनका योगदान हमने देखा है कि किस तरीके से भारत की आज़ादी में उनका योगदान था। उन्होंने काला पानी की सज़ा को भी फेस किया था। अगर आप नहीं जानते काला पानी की सज़ा क्या होती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार जाके आप गूगल पर देख लीजिए। इन्होंने कई साल बिताए, आप साल छोड़िए, आप वहाँ पर सिर्फ 2 दिन बिताकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। तो दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए, जबकि ये हक राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति का हक हो सकता है, नहीं हो सकता, इसके बारे में हम एक्सपर्ट से राय लेंगे। 18 मई 2023 को जो संसद के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनकी तरफ से इनविटेशन भेजा जाता है नरेंद्र मोदी जी को, और ये कहा जाता है कि आपको इस जो नए संसद भवन है उसका उद्घाटन करना है और इसकी सत्र की जो शुरुआत है वो जुलाई में होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा विवाद ये खड़ा होता है कि जो राहुल गांधी जी हैं, जो कांग्रेस के आप मान के चलिए नेता हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया कि जो नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए वो द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी राष्ट्रपति है उनको करना चाहिए, न कि नरेंद्र मोदी जी को। उसके जस्ट दूसरे दिन यानी 22 मई 21 मई को इनका बयान आता है, और 22 मई को बयान आता है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो कि राष्ट्र आप प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनकी तरफ से ये बयान दिया जाता है, ट्वीट किया जाता है कि जो राष्ट्रपति बनाई जाती है द्रौपदी मुर्मू, ये सिर्फ बीजेपी वालों ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए उनको राष्ट्रपति बनाया था, क्योंकि मणिपुर और जब वो इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पर उनको चुनाव जीतना था, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था। असल में जो राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन करना चाहिए वो अधिकार राष्ट्रपति के पास में होता है, न कि प्रधानमंत्री के साथ में। उन्होंने कई सारे जो आर्टिकल्स होते हैं उनका हवाला भी दिया, आर्टिकल 79 सबसे ज़्यादा भी चर्चा में चल रहा है। वहीं और भी कई सारे नेता हैं जिन्होंने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी जी को जो उद्घाटन करने जा रहे हैं उसका भी विरोध किया था। इसमें कई सारे नेता हैं, उनके नाम हम आपको बता देते हैं। ओवैसी अखिलेश यादव, आपके जो संजय हैं संजय सिंह वो हैं, टीएमसी के डेरेक ओब्रॉय सहित 19 नई पार्टियां हैं जो इसका विरोध करती जा रही है लगातार। और साथ में इन्होंने 23 मई को एक नया कॉन्फ्रेंस जारी किया, एक लेटर हेड जारी किया, जिसके अंदर 19 विपक्षी दल बहिष्कार करेंगे 28 मई को उद्घाटन का, जो नई संसद भवन का उद्घाटन होगा उसका पूरी तरीके से ये विरोध करने जा रहे हैं, ये वहाँ पर नहीं आए हैं। साथ में आपको ये भी बता दें कि कई विपक्षी पार्टियों ने अपना मन बदल लिया है और तकरीबन 21 जो पार्टियां हैं साथ में मिलकर, 21 अलग अलग पार्टियां जो भारत का जो लोकतंत्र उसको चलाती है, वो पार्टियां मिलकर उनके साथ में समारोह में आयोजित होगा, और समारोह का जो उद्घाटन है वो भी नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ही किया जाएगा। अब इन सबका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी ने भी कई सारे बयान दिए हैं मीडिया के बारे में, उनमें से आपको कुछ बयान बता देते हैं, मैं कोट करने जा रहा हूं उनको। कांग्रेस की आदत है जहां विवाद नहीं होता वहां विवाद खड़ा करना। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं और पीएम सरकार के प्रमुख होते हैं। पीएम सरकार की ओर से संसद का नेतृत्व करते हैं, जिसकी नीतियां कानून के रूप में लागू होती है। प्रेसिडेंट संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, जबकि पीएम किसी एक सदन का सदस्य नहीं होते हैं। वहीं कांग्रेस के मिनिस्टर हैं मनीष तिवारी जी, उनकी तरफ से भी एक बयान हमें देखने को मिला है। उन्होंने भी ये बयान दिया है कि सेंसस संविधान के सेक्शन 79 के मुताबिक संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति के दो सदनों से मिलकर बनेगी।
ये तो सब तर्क वितर्क हैं। अब इसके अंदर हम एक्सपर्ट की राय को जान लेते हैं। अब इसके अंदर हमने दो एक्सपर्ट्स को कंसिडर किया है। इन दोनों एक्सपर्ट्स ने ललन टॉप को इंटरव्यू देते हुए इस सारे मुद्दे के बारे में समझाया है, आप इनको सुन सकते हैं। इन एक्सपर्ट के नाम हैं डॉक्टर योगेंद्र नारायण, पूर्व सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा, और राहुल श्रीवास्तव जो कि एडिटर हैं इंडिया टुडे के। अब बात करते हैं कि नई संसद जो बनने जा रही है उसके अंदर किस प्रकार की सुविधाएं होंगी। तो अगर सुविधाएं की बात करते हैं तो ये संसद फायरलेस, यानी जो फायर हो जाती है अगर आग लग जाती है किसी तरीके से संसद भवन के अंदर, तो जो पुरानी संसद थी वो इतनी सक्षम नहीं थी, लोगों के जाने की जगह नहीं होती थी उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर इस चीज़ को मस्ट इंपॉर्टेंस दी गई है। और भी कई सारे इश्यूज होते हैं इसके साथ में। साथ ही ये बताया जा रहा है कि ये जो संसद भवन अभी बना है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन संसद भवन है पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ तक कि अमेरिका का संसद भवन भी इतना अच्छा नहीं है, जिसे सेनेट बोला जाता है वहाँ पर, वो भी इतना अच्छा नहीं है जितना इंडिया का है। साथ में कई सारी दीवारों पर और जो आसपास के एरियाज हैं उनके अंदर जो भारत का कल्चर होता है वो पूरी तरीके से देखने को मिलता है। साथ ही वहाँ पर कई सारे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी तस्वीरें लगाई जाएंगी, जिसमें महात्मा गांधी भी होंगे, भगत सिंह भी होंगे, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, पुष्पाकुल्ला खान, ऐसे कई सारे वीर क्रांतिकारी होंगे, उन सब की तस्वीरें होगी और उनके कुछ कोटेशंस भी साथ में लगाए जाएंगे जो कि पूरी तरीके से भारत का कल्चर दिखाएंगे। अब साथ में बात करते हैं कि विपक्ष के दोहरे चरित्र के बारे के अंदर। अब हम ये देखेंगे कि जब 50 साल के अंदर जब हमारे कांग्रेस का राज होता है या फिर और भी कई सारी एंटी बीजेपी या अलग से जो बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टियों ने वहाँ पर राज किया है इंडिया के अंदर, राज ही कहेंगे उनको एक तरीके से, तो उनकी टाइम पर एक भी राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा किसी भी सरकारी संपत्ति का उद्घाटन नहीं कराया गया। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वही द्रौपदी मुर्मू जी की बात करते हैं, तो जब इन्हें इलेक्ट किया जाना था राष्ट्रपति पद के अंदर तो सभी विपक्ष, सभी नहीं कुछ विपक्ष जैसे कांग्रेस, आप ये तो मुख्य हैं, इन विपक्ष ने अपना कैंडिडेट लाकर खड़ा कर दिया था और विपक्ष में वोट डाला था कि द्रौपदी मुर्मू है वो नहीं बननी चाहिए थी राष्ट्रपति। हाँ, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ कि जब इनसे पहले प्रतिभा पाटिल के टाइम पर भी बीजेपी वालों ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिभा पाटिल हमारे हिंदुस्तान इतिहास की अब तक की सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति रही है। आप गूगल करके इसके बारे में सब पता कर सकते हैं, और आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं। साथ ही कई सारे नेताओं के हमें उलझुल बयान भी देखने को मिलते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जब कई बार लोग ये कहते हैं कि इनको बस वोट के लिए राष्ट्रपति बनाया गया है, इनकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जब आप एक इंसान की या फिर एक राष्ट्रपति की क्रेडिबिलिटी पे ही सवाल उठा देते तो वो सबसे बड़ी बेइज्जती होती है उसकी। दूसरे बात करेंगे तो एक उनके नेता थे, विपक्ष के नेता, उनका मेरे को नाम अच्छे से याद नहीं है, लेकिन वो एक बार राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह देते हैं। और भी कई सारे उलझुल बयान देखने को मिलते हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की तरफ से हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से हो, कई सारे बयान देखने को मिलते हैं। जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी जब अपने सत्ता में होते हैं, मतलब जब वो प्राइम मिनिस्टर के पद पे होते हैं, तब उन्होंने मणिपुर के अंदर एक जो वहाँ की जो विधानसभा है उसका उद्घाटन किया था, तो उस टाइम पे राज्यपाल को इनविटेशन तक नहीं दिया गया था। वो आपको लगता है ये एक केस है, लेकिन इसके अलावा 3 केस और हैं, जब छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और झारखंड के अंदर भी उनकी विधानसभा, या फिर जो नेहरू जी के टाइम पे भी, जो राजीव गांधी के टाइम पे, जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, जितनी भी सरकारी संपत्तियां, चाहे वो कई सारे भवन का उद्घाटन करना हो, उसके अंदर एक भी जगह राज्यपाल या गवर्नर या राष्ट्रपति का किसी भी प्रकार से उनको इनविटेशन तक नहीं दिया गया था। अब ये किस प्रकार के हिपोक्रेसी है मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। 7 विपक्षी पार्टियां वापस बीजेपी के साथ में आ गई है और वो उद्घाटन में हिस्सा लेने जा रही है, और 28 मई को ये उद्घाटन भी होने जा रहा है, और तकरीबन 21 राजनीतिक दल मिलकर इस जो नई संसद बन रहा है उसका उद्घाटन करेंगे। अब आपको और हमको इसके बारे में क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा इशू इसके अंदर ये है कि ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक खेल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई असंवैधानिक काम होता तो कोर्ट की तरफ से भी, क्योंकि ये संसद भवन का मामला है, तो कोर्ट की तरफ से बिल्कुल इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी, आप मान के चलिए कि एलिगेशन आ जाता या फिर स्टॉप लगा दिया जाता इसको, लेकिन ये संवैधानिक तौर से बिल्कुल सही है। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ संविधान के अंदर के संसद भवन का उद्घाटन है वो सिर्फ राष्ट्रपति ही करता है। पिछली सरकारों का आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, एक भी सरकार ने मैं बड़ा कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, एक भी सरकार ने किसी भी राजनीतिक संपत्ति का जब उद्घाटन होता है तो उसमें राज्यपाल को या फिर राष्ट्रपति को इन्विटेशन तक नहीं दिया जाता। वहीं अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो तकरीबन 400 ऐसी सरकारी संपत्तियां हैं जहां पर कांग्रेस के परिवार के सिर्फ 3 सदस्यों के नाम के ऊपर रखा गया है। 400 से भी ज़्यादा, जिनमें रोड आते हैं, स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, एयरपोर्ट्स आते हैं, पोर्ट्स आते हैं,
कई सारी ऐसी चीज़ें आती है जिस कांग्रेस का जो कांग्रेस के नेता हैं उनके जो 3 सदस्य हैं उनके नाम पर रखा जाता है। आप सब लोगों को कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, जितना भी ड्रामा चल रहा है उसको बस देखते रहिए, हम इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा, राजनीतिक खेल है, सत्ता का खेल है, इसके ये उतार चढ़ाव है, ये तो हमें देखने ही पड़ेंगे। आज के शो में बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको इस शो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते कल एक और नए एपिसोड के साथ में, तब तक देखते रहिए TV भारत 24 की खास खबर।